हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट एंड क्राफ्ट वेन्यू। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शिव जी की पेंटिंग। इसके लिए मैंने एक 16 इंचेस का MDF बोर्ड लिया है बेसिकली, और उसके ऊपर एक प्राइमर अप्लाई किया हुआ है। इसकी जगह आप जेसो भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि कैमल का जेसो काफ़ी अच्छा आता है। एक कोटिंग अप्लाई करने के बाद प्राइमर की, मैं दूसरी कोटिंग अप्लाई कर रही हूँ। कोटिंग अप्लाई करते समय सबसे पहले आपको, हम सबको ही बेसिकली ध्यान रखना पड़ता है कि जो आप कोटिंग की जो लेयर अप्लाई कर रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप अलग अलग डायरेक्शन का यूज़ करेंगे तो उसका जो टेक्स्चर है वो बहुत बेकार आता है। तो जैसा मैं पेंटिंग में कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में उसको अप्लाई करें। जैसे अप्लाई होने के बाद इसे बहुत अच्छे से सूखने दें। सूखने के बाद हम शिव जी की सबसे पहले आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। बेसिकली आउटलाइन को बहुत ही बारीकी से और बहुत अच्छे से ड्रॉ कीजिए, क्योंकि आउटलाइन ही अगर हमारी अच्छे से नहीं बनेगी तो जो टेक्स्चर है वो बहुत बेकार सा आता है। तो आउटलाइन हमारी ड्रॉइंग ड्रॉ हो चुकी है बेसिकली। तो अब इसके ऊपर मैं ब्लैक मार्कर यूज करूंगी। ब्लैक मार्कर थिन वाला मार्कर होगा हमारा, इजिली किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे अवेलेबल हो जाता है। ब्लैक मार्कर यूज करते समय आप ध्यान रखें कि जो इसकी निब है वो बहुत अच्छे से यूज करें आप। जरा से भी आउटलाइन बाहर जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती देखने में, मतलब मुझे तो अच्छी नहीं लगती, आपको भी अच्छी नहीं लगती होगी। खैर, आउटलाइन हमारी हो चुकी है, लगभग कंप्लीट होने वाली है। नीचे का ड्रॉ है और ये हमारी आउटलाइन ड्रॉ हो चुकी है। इसके बाद अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो मुझे तो ये देखने में वैसे अभी से बहुत अच्छे लग रहे हैं। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा लग रहा था कि पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, बट ठीक है, मुझे अच्छे लग रहे हैं। आप भी कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। तो अब मैं ब्रश का यूज करने जा रही हूँ। कैमल का ब्रश है मेरा और ऑरेंज कलर का मैंने कलर लिया है। लास्ट वीडियो में हमने बजरंग बली की जो मैंने वीडियो बनाई थी और जो पेंटिंग बेसिकली बनाई थी, उस पेंटिंग के अंदर भी मैंने इसी ऑरेंज कलर का यूज किया था, केसरिया रंग बेसिकली। तो ये केसरिया रंग हम बैकग्राउंड के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड लाइट करूंगी, और ये जिस चीज का ध्यान रखें आप, अपने MDF बोर्ड को ना थोड़ा सा आप क्लीन कर लें, क्योंकि कई बार डस्ट वगैरह रह जाता है तो पेंटिंग करते समय वो फिर नीट एंड क्लीन नहीं नजर आता है। तो हमारा बोर्ड भी साफ हो गया है। ऑरेंज कलर मैंने अप्लाई किया है बेसिकली इसके ऊपर, और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी भी यूज किया था ढक्कन में यूज करके, बट मुझे वो बहुत लाइट सा लग रहा था, तो फिर मैंने डायरेक्टली कलर अप्लाई कर दिया है पूरे बोर्ड के ऊपर। बैकग्राउंड के अंदर पूरा का पूरा हम इसे ऑरेंज रखेंगे और बाद में इसके टेक्सचर में थोड़ा सा चेंज करेंगे, और 3D लुक तो देने की मैं कोशिश करूंगी, बट पता नहीं 3D लुक आएगा या नहीं। और एक चीज का ध्यान रखें आप पेंटिंग करते समय, कि इसमें भी आप एक ही डायरेक्शन में ब्रश को स्टॉप करें, मतलब आप ब्रश यूज कर रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में ब्रश को चलाएं, क्योंकि फिर टेक्सचर अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो वो अच्छा नहीं लगता। और जितने भी डिटेलिंग वर्क है पतले ब्रश का यूज करके आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपनी उसी 8 इंची के ब्रश से ही कर दिया था, बट बाद में मुझे लगा कि शायद नहीं, मुझे पतले ब्रश का यूज करना चाहिए, तो मैंने बाद में इसे पतले ब्रश का भी यूज किया है। और ये हमारा ऑरेंज कलर कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको भी ऐसा ही कुछ बनवाना है पेंटिंग में तो आप मुझे DM कर सकते हैं। पेंटिंग से रिलेटेड और भी चीजें हैं जो हम धीरे धीरे अपलोड करते रहेंगे, जिनकी वीडियोस हमारे चैनल पे अपडेटेड रही है, तो आपको वो मिलती रहेंगी। अब मैं ब्लैक कलर का यूज करने जा रही हूँ। मैंने वही ब्रश यूज किया है फिर से। ब्लैक कलर हम उनके बालों में करेंगे, शिव जी के बालों में ब्लैक कलर, और बाद में आउटलाइनिंग जो हम करेंगे वो हम ब्लू कलर से करेंगे। देखते हैं वो कैसा लगेगा। तो सबसे पहले ब्रश का यूज करके अच्छे से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी यूज कर लिया था, जो कि थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर मैंने कलर अप्लाई किया इसके अंदर भी, तो आफ्टर ये अच्छा ही लग रहा है मुझे तो देखने में। तो शिव जी के बाल हमारे कलर हो गए हैं। अब मैं फेस इनका कलर करने जा रही हूँ। फेस पर मैंने लाइट ब्लू कलर यूज किया है। डार्क ब्लू कलर था मेरे पास, मैंने डार्क ब्लू कलर के अंदर व्हाइट कलर और पानी यूज किया था और उससे लाइट ब्लू कलर बनाया था, और जो पूरे फेस पर अब अच्छा लग रहा है देखने। अब मैं मंदिर बनाने जा रही हूँ, मंदिर पे कलर करने के लिए जा रही हूँ बेसिकली। तो मंदिर की ईंटों को बनाने के लिए मैंने ब्लैक कलर के अंदर व्हाइट कलर यूज किया था और उसे और लाइट करती गई थी धीरे धीरे। ब्लैक कलर के अंदर व्हाइट कलर और पानी का यूज किया था, जितना हो सके लाइट यूज करें, और काफी अच्छा लग रहा है ये कॉम्बिनेशन में। येलो और ब्लू यूज किया है मैंने, और जितने भी हमारे जो पहाड़ थे उसमें मैंने व्हाइट कलर कर दिया है, और नागराज जी जो है उनपे ब्लू कलर किया है मैंने। नेवी ब्लू कलर था मेरे पास, नेवी ब्लू के अंदर मैंने व्हाइट यूज किया है थोड़ा सा लाइट करके, और धीरे धीरे मैं इनकी डिटेलिंग वर्क कर रही हूँ। इनकी चेस्ट पे मैंने कर दिया है, और आफ्टर डिटेलिंग ये ऐसे दिखाई देने थे, मुझे तो काफी अच्छे लग रहे हैं वैसे, बट पता नहीं आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, आप भी जरूर बताएं मुझे कमेंट करके। मैंने चांद के ऊपर व्हाइट कलर किया है, और इनकी जो बालियां हैं अभी वो बनानी बाकी है। साइड साइड में मैं बना रही हूँ इनके क्लाउड्स, जिनके ऊपर थोड़ी सी पेंसिल से मैं पहले आउटलाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ, क्योंकि ऑरेंज करने की वजह से आउटलाइन जो है वो मिट गई थी, मुझे दिखाई नहीं दे रही थी बेसिकली। तो आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद अब मैं व्हाइट कलर यूज कर रही हूँ इसके अंदर। व्हाइट कलर से मैं क्लाउड्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और फर्स्ट स्ट्रोक यूज करने के बाद मैंने इसके बाद सेकंड आउटलाइन भी की थी, और उसके बाद फिर मैंने ऑरेंज कलर के अंदर ही व्हाइट का कॉम्बिनेशन किया था। और आप इसमें स्पंज का यूज करके बादल बना सकते हैं, मैंने ब्रश का ही यूज किया था, बड़े वाले ब्रश का, जो 8 इंची से बड़े वाला ब्रश आता है। कंप्लीट होने के बाद शिव जी ऐसे नजर आ रहे थे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कैसे लगे।